नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि सर टेंथ के बाद अब क्या करें, कि टेंथ के बाद हमें कौन से सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट लें, कि साइंस पढ़ें कि आर्ट्स पढ़ें कि कॉमर्स पढ़ें, या ITI करें या डिप्लोमा करें, हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। दसवीं के बाद आपको किस फील्ड में जाना है, किस सब्जेक्ट की तैयारी करना है कि जिसमें सबसे पहले नौकरी मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग अभी तो एग्ज़ाम देकर अभी हाल ही निकले हो, तो दो तीन दिन तो आपने रेस्ट कर लिया होगा, मस्ती मजाक कर ली होगी, इन्जॉय कर लिया होगा। अब आपकी बात करते हैं कि दसवीं के बाद आपको बड़ा किस कर आपने अपना भविष्य किस ओर ले जाना चाहते हो, किस करियर की ओर बनाना चाहते हो। तो बड़ा पहली चीज़ मैं आपको आज पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि दसवीं के बाद आपको क्या करना है। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने दसवीं की एग्ज़ाम दे दिया है, दसवीं के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में पहले हम समझा दें आपको। तो अगर जो बच्चा बड़ा आर्ट्स में जाना चाहता है, आर्ट्स वही बच्चे ले बच्चों जिन लोगों को लगता है कि मैथ और साइंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, ये टप्पा भी नहीं पड़ता आपको मैथ में, साइंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो उन बच्चे बड़ा खुशी खुशी आप आर्ट्स लेकर के तैयारी कर सकते हो। और आर्ट्स में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि मान लो हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, समाजशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, जियोग्राफिक हो गया, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स बड़ा आपको आर्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा जिसमें आपको ज़्यादातर पढ़ करके तैयारी करना है। और बड़ा अगर चाहो तो अपना करियर बड़ा IAS ऑफिसर में, UPSC, GPSC जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, बड़ा तलाटी की एग्ज़ाम होती है, ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है, आर्ट्स सब्जेक्ट से। वैसे तो बड़ा ये सारे कॉमन होता है, किसी भी फील्ड में जाके आप कर सकते हो, लेकिन बड़ा आर्ट्स ये चीज़ों के लिए बेटर रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ जिन बच्चों को कॉमर्स में जाना है, तो कॉमर्स में वही बच्चे जाएँ जिनको बच्चों मतलब कि मैथ थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गणित में सीखा होगा आंकड़ा शास्त्र, उसके बाद संभावना चैप्टर आपने सीखा है, कैलकुलेशन वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ बड़ा आपको कॉमर्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको थोड़ा बहुत बड़ा मैथ वगैरह आता है तो आप बड़ा कॉमर्स की फील्ड में आ सकते हो। तो कॉमर्स फील्ड में आओगे तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि सपोज मान लो अकाउंट हो गया है, ठीक है, स्टेट हो गया, इको हो गया, BA, इको का मतलब होता है बच्चों अर्थशास्त्र, BA का मतलब होता है वाणिज्य व्यवस्था संचालन, अकाउंट का मतलब होता है बच्चों नामा का मूल तत्व, स्टेट का मतलब होता है सांख्यिकी मतलब आंकड़ा शास्त्र, ठीक है। तो ये सारे चीज़ बड़ा आपको कॉमर्स के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि खाता वगैरह बनाना, ठीक है, किसी का अकाउंट टैली करना, ये सब चीज़ें बड़ा आपको कॉमर्स के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप बिजनेस की लाइन में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको बड़ा खुशी खुशी बड़ा कॉमर्स लाइन में आना चाहिए, किसी के दबाव पे मत आना बच्चों कि मेरा दोस्त है ये कर रहा है इस लाइन में जा रहा है तो मैं भी इसी लाइन में जाऊँगा। नहीं बच्चों, आपको बड़ा जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपको उस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के तकलीफ आपको ना हो बड़ा इस बात का ध्यान रखना। अपने टीचरों से गाइडलाइंस मतलब पूछ सकते हो, ठीक है, जो आपसे बड़े हैं, अपने पेरेंट्स से सबसे अच्छे से पूछो, बैठ कर बातें करो, ठीक है, कि हमें आगे का क्या प्लान करना है, वो सब चीज़ें बड़ा डिस्कस करना, ठीक है। आगे जाके पछतावा नहीं होना चाहिए, यार काश हम ये कर लिए होते तो आज ऐसा होता है, ठीक है, इसलिए पछताना ना पड़े, पहले से इसके बारे में विचार कर लेना, ठीक है। तो कॉमर्स लाइन में अगर किसी को इंटरेस्टेड हो, बेझिझक बड़ा आप कॉमर्स ले सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए बस, किसी भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट मजा आना चाहिए बस, ठीक है। तो अकाउंट वगैरह अगर आपको समझ में आता है, मैथ वगैरह अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है बच्चों, तो आप कॉमर्स लाइन में आ सकते हो। अगर मैं बात करूँ बच्चों साइंस, तो साइंस में दो फील्ड होता है बेटा, ए ग्रुप और बी ग्रुप। अगर मैं बात करूं बच्चों ए ग्रुप, तो यहां पर देखो सामने लिस्ट में आपको सब कुछ दिखेगा बच्चों। ए ग्रुप में मतलब जैसे कि इंजीनियर लाइन में अगर आपको जाना है तो आपको ए ग्रुप जाना चाहिए बड़ा, और ए ग्रुप में आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जिन बच्चों का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और जिन बच्चों ने क्लास टेंथ में स्टैंडर्ड मैथ लिया है, वही बच्चों बड़ा इंजीनियर लाइन में जा सकते हैं, उन्हीं को ए ग्रुप का मैथ मिलेगा। और बात करूं बच्चों बी ग्रुप, तो बी ग्रुप का मतलब होता है बायोलॉजी। अब बच्चों आप लोगों को बायोलॉजी जैसे कि डॉक्टर वगैरह बनना हो तो आप बायोलॉजी ले सकते हो, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, बायोलॉजी में भी ऐसा नहीं कि बड़ा मैथ नहीं आता, मैथ उसमें भी आता है, खास करके केमिस्ट्री वगैरह का जो सवाल वगैरह होता है बड़ा वो भी बहुत ही
टफ होता है बड़ा, और थोड़े बहुत एकदम इजी लेवल का नहीं होगा बड़ा, वो उसका जो मैथ होगा वो थोड़ा हाई लेवल का होगा। आप ऐसा मत सोचो कि हमने बायोलॉजी ले दिया तो उसके अंदर मैथ नहीं आता, उसके अंदर भी, क्योंकि 50 नंबर आपका थियरी होता है तो 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल भी होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना। तो मैथ बेटा अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं, आपको अच्छे तरीके से अगर मैथ अच्छे तरीके से आता है ना, तभी आप बायोलॉजी या ए ग्रुप बी ग्रुप चॉइस कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको ए ग्रुप बी ग्रुप दोनों चीज़ें समझा दिया, आप अपने हिसाब से बड़ा देख सकते हो और देख लेना बड़ा रिजल्ट वगैरह अगर आपका अच्छा हो बड़ा, तो बड़ा ट्राई करना जिस फील्ड में आपको जहाँ इंटरेस्टेड हो उस फील्ड में आप जाना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको आगे की पढ़ाई नहीं करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है और जल्दी नौकरी आपको मिलेगी बच्चों, उसके लिए है डिप्लोमा। आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिप्लोमा कर लोगे बच्चों तो बड़ा आपको 12वीं का सर्टिफिकेट डायरेक्टली मिल जाएगा, डायरेक्टली सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। कब? अगर आपने डिप्लोमा अच्छी तरीके से पास कर लिया है तो आपको 12वीं का पूरा पूरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप 12th पास हो जाओगे। ऐसा कब होगा? जब आप डिप्लोमा किए होगे। और डिप्लोमा में कौन सी लाइन बच्चों? डिप्लोमा में बहुत सारी अलग अलग लाइनें होती हैं, जैसे कि बड़ा इंजीनियर, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड हो गया बड़ा, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया बड़ा, ठीक है, गाड़ी वगैरह बनाने का काम हो गया, ठीक है, मतलब उसमें आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। वायरमैन बनना हो तो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैनेजर बनना हो तो आपको बन सकते हो, जैसे कि मान लो बड़ा गैरेज का कोई काम वगैरह सीखना तो आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हो, ठीक है। मोबाइल वगैरह सीखना है, ऑटो मोबाइल का सीख सकते हो, ऑटो सर्विस का भी आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो। डिप्लोमा में बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है, मतलब जिन बच्चों को आगे तैयारी नहीं कर रहे तो बच्चा वो डिप्लोमा ले सकता है और प्राइवेट नौकरी उसमें मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बच्चों ITI, और बच्चों कुछ बच्चों ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं होता है, पढ़ाई से बिल्कुल मन उठ गया है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे बच्चों को बड़ा क्या करना चाहिए? ITI कर लेना चाहिए, और ITI करके बड़ा आप अपना अच्छा सा जॉब पा सकते हो। उसमें आपको क्या होगा बड़ा, कुछ चीज़ें क्या होगी बड़ा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा और आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा और आप उससे अच्छे तरीके से नौकरी ले सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मैं आपका बड़ा यहाँ पर मैंने आपको आर्ट्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में और दूसरा यहाँ पर साइंस के बारे में, डिप्लोमा के बारे में और ITI के बारे में, सभी के बारे में मैंने आपको समझा दिया। ITI इन बच्चों को लेना चाहिए जिनको पढ़ाई से मन उठ गया है, जो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, आगे जाकर के आप कमाना ही चाहते हो ब्रा, नौकरी करना चाहते हो डायरेक्टली, तो ब्रा ITI करके के आप अच्छी खासी जॉब पा सकते हो, ठीक है बच्चों। और जिन लोगों को आगे जाकर के बड़ा CA वगैरह करना है तो बड़ा कॉमर्स ले लो, सबसे अच्छा रहेगा। आगे टीचिंग लाइन में अगर करियर बनाना तो भी आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ बच्चों, अगर जिन बच्चों को बड़ा 10th के बाद कंपटीशन की तैयारी करना है बच्चे, आज और वेलकम है बच्चों, कंपटीशन की तैयारी करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तलाटी की एग्ज़ाम हो गई, जूनियर क्लर्क की एग्ज़ाम हो गई, ठीक है, ग्रुप डी ग्रुप सी रेलवे की एग्ज़ाम हो गई, ठीक है, SSC CGL की एग्ज़ाम हो गई, ये सारे जो एग्ज़ाम होती है बड़ा कांस्टेबल वगैरह की, इसकी सबकी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो कॉम्पिटिशन में, ठीक है। दूसरी अगर बात करूं बच्चों, UPSC IAS जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है, ये एग्ज़ाम भी आप क्रैक करना चाहो तो कर सकते हो, GPSC की भी तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो बड़ा मेहनत खूब करना पड़ेगा, हर एक फील्ड में मेहनत है बच्चों, लेकिन बड़ा आपको उसी फील्ड में करियर बनाना है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो और लाइफ टाइम तक लॉन्ग टर्म तक बड़ा वो चीज़ें चलती रहें। ऐसा नहीं बड़ा कि अभी आपने देखा हो बड़ा इंजीनियर लाइन में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, अभी इंजीनियर लाइन में उतनी नौकरी नहीं मिल रही है बड़ा, किसी को मिल रही है किसी को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो बड़ा आपको उसी फील्ड में जाना है जिस फील्ड में नौकरी ज़्यादा हो, आगे जाके पछताना ना पड़े, ठीक है। इसलिए पहले से सोच के रखना बड़ा, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, अपने टीचर से, आपके बड़ा रहने वाले आजू बाजू के जो आपसे बड़े हैं उनसे बड़ा सलाह लेकर के तभी आगे की बड़ा बारे में सोचना, क्योंकि करियर अब आपकी यहाँ से शुरुआत होगा बच्चों, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करना, अभी आपके पास टाइम है, सोच समझ के फैसला लेना है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, जिन बच्चों को बड़ा प्राइवेट जॉब में नौकरी लेना है तो प्राइवेट जॉब करना है बच्चों तो उसके लिए बेटर देन रहेगा बच्चों डिप्लोमा और ITI कर लो, सबसे पहले आपको नौकरी मिल जाएगी। और दूसरी चीज बच्चों, आर्ट्स जिन बच्चों ने लिया बड़ा उनको प्राइवेट नौकरी का चांसेस थोड़ा सा कम होता है, हाँ थोड़ा सा कम होता है बच्चों, ऐसा नहीं कि मिलता है, लेकिन मतलब थोड़ा सा कम होता है,
ठीक है। हाँ, अगर बात करूँ बच्चों कॉमर्स और साइंस के लिए, उसमें नौकरी भर भर के आपको मिलेगी। अगर बच्चों आपको प्राइवेट नौकरी चाहिए तो भी आप कॉमर्स से आपको धगले नौकरी मिल जाएगी बेटा, बहुत सारी आपको नौकरियाँ मिल जाएगी। जैसे मैनेजमेंट का है बेटा, टेली कंपनी का है, अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हो बच्चा, बहुत सारे इसमें फील्ड, कॉमर्स के फील्ड में तो बहुत सारी लाइन आपको मिल जाएगी। आर्ट्स में लाइनें तो हैं बच्चों, लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी लाइनें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ टीचर लाइन में आना है तो टीचर लाइन में भी तो तैयारी बहुत करनी पड़ेगी। प्राइवेट जॉब मिलेगा टीचिंग में आपको मिल जाएगा बड़ा, लैंग्वेज सब्जेक्ट की, ठीक है, तो वहाँ से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। और कॉमर्स में बड़ा आपको बहुत सारी लाइनें मिल जाएगी। और साइंस तो कहना क्या बच्चों, साइंस में तो बड़ा भर भर की लाइनें, वो हर एक फील्ड में जा सकता है, ठीक है, साइंस वाला बंदा हर एक फील्ड में जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों यही सब चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस किया और आपको सब चीज़ें मैंने डिटेल वाइज समझा दिया। और बड़ा घर पे बैठ करके अपने माँ बाप से पूछो और शांति से फैसला लो बच्चों, ठीक है। जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाना कि आगे जाके जिंदगी में भुगतना पड़े, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो बच्चों और बड़ा अगर डिप्लोमा और ITI के बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए बड़ा, तो बड़ा उसके लिए एक वीडियो मैं और बना दूंगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर किसी बंदे को बड़ा कॉमर्स फील्ड में आना है और आर्ट्स फील्ड में आना है बच्चों, उसकी तैयारी हम करवाते हैं बेझिझक बड़ा। अगर किसी को भी जुड़ना है तो आके यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है क्लासेस को, ठीक है। और दूसरी चीज़ बेटा, 100% आपका रिजल्ट यहाँ पर तैयारी करवाया जाएगा, जिसको भी करना है कर सकता है। और साथ साथ में बड़ा आपको यहाँ पर करियर गाइडेंस के बारे में भी समझाया जाएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कॉम्पिटिशन की तैयारी भी आपको करवाया जाएगा कि कैसे कैसे आपको अपनी लाइफ में क्या क्या करना है, ठीक है, सब चीज़ें समझाया जाएगा। अगर आपको तैयारी करना हो तो बेझिझक बड़ा आपको इस क्लासेस से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। और स्क्रीन पे बड़ा ये नंबर होगा, इस नंबर पे आपको कॉल बैक करके आपको जो भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे आपको पूछ लेना है। आपको किसी भी फील्ड में जाना है, कोई भी तकलीफ हो रही है तो बच्चों अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये जो नंबर दिखा है इस नंबर पर आपको कॉल करके आप अपने बारे में पूछ सकते हो कि सर मुझे अगर साइंस लेना है तो मुझे क्या करना चाहिए, कॉमर्स फील्ड में जाना है तो कॉमर्स फील्ड में मैं जा करके मुझे क्या क्या चीज़ कर पाऊंगा आगे जाके, तो उसके बारे में आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगी। आर्ट्स में जाना है तो आर्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों इस नंबर पे कॉल करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों आज हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी सभी लोग इन्जॉय करो, मस्ती करो, ठीक है, और अपने पेरेंट्स के साथ में भी टाइम स्पेंड करो। मिलते हैं, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।